जय हिंद दोस्तों, आज का सफर हमारा सरचू तक है। सरचू लेह लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है, ये सफर आज का वहीं तक है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है सूरजताल, पूरा जमा हुआ है, 13,000 की हाइट पे है। तो इसके ड्रोन शॉट भी लिए हैं, आपको दिखाएंगे, पूरा जमा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जयपुर के किले बने हुए हैं, ये हवा से बने हुए हैं, इतना सुंदर नजारा है, एक से बढ़कर एक। ड्रोन शॉट भी लिए हैं हमने, कुछ दिखाएंगे आपको भाई। यहाँ पर कैंपिंग पॉइंट है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ, जब अगली बार चालू होगा ना तो एक दिन तो बनता है हमारे यहाँ। सुरग है भाई इस चारों ओर, कुछ आदमी बीमार भी हुए हैं इसलिए, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, सबके अलग अलग है। Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like Adam. You once in a while feel on the eye. I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. New York and your LA come together, feel the shock waves. संगम है अभी छोटा सा, इस तरफ से भी नदी आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है, ये बिल्कुल साफ पानी है, ये थोड़ा मतबेला पानी है, जैसे रेत का पानी ना हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ा है, ठंडी हवा है।
दिल्ली में बहुत याद करोगे ठंडी हवा, और हम भी याद करेंगे जब दिल्ली पहुंचे। फिर रास्ता बंद है, अब देखते कितनी देर तक रास्ता बंद रहेगा। आगे पूरा पुल टूट गया है और हमें एक घंटा यही एक जगह फंसे हुए हैं। एक गाड़ी नीचे से निकली है, वो किया वो फंस के वहीं खड़ी होगी क्योंकि पानी बहुत तेज है वहाँ से। 4x4 हो तो ऐसे गलती करें ना तो नहीं निकलेगी। वो किया खड़ी वहाँ, वो नदी पार कर रही थी, वो वहीं फंस के रह गई है बहुत उसका वो भाई। और ये एक तो ऊपर नया पुल बन रहा है, एक नीचे जर ये पुल ठीक हो रहा है, अब गाड़ियाँ निकल रही हैं, हो गया रास्ता साफ, तो अब चलने का टाइम हो गया। हमारा 1.5 घंटा यहीं बर्बाद हो गया। भाई सही बताऊँ सांस नहीं आ रहा, अब हंसी मजाक भी नहीं हो रहा, निकल गया हम तो। ये एक ट्रक निकल के आ गया भाई, बहादुरी है इसकी निकल गया। और वैसे पुल चालू हो गया है, पुल निकल जाएंगे गाड़ियाँ धीरे धीरे। भाई ये ट्रक निकला है, बहादुरी की बात है, पर यहाँ आके थोड़ा अटका है, पर निकाल लेगा ये, घूमने लगा जब, पर बोला नहीं जा रहा भाई, बड़ा शुष्क है, गले में सूजन लग रही है। रास्ता खुल गया, 1 घंटा हो गया हमें, अब चलते हैं निकलते हैं। अब हो गया नॉर्मल, मिठाई पा गया, अब सांस लेने में भी आसान नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सबकी हालत खराब हो चुकी थी तभी हमें एक उम्मीद की किरण दिखी, वो किरण जो साइकिल पे चल के आई थी पिछले 6 महीने से। भाई हमारी यहाँ पर है ना फटी पड़ी है, एक बंदा ना चेन्नई से आया साइकिल चलाते हुए, भाई से मिलिए भाई, इनका भी YouTube चैनल है, क्या नाम है YouTube चैनल का भाई? पीछे बोर्ड है, मैं बोर्ड दिखाता हूँ आपको। और भाई इनकी हिम्मत है, इसी का नाम है हिम्मत, कभी नहीं हारना चाहिए। और कुछ हमारी गाड़ी में मुर्दे पड़े सोए पड़े हैं, ठीक ना, इनसे सीखना चाहिए भाई कुछ। कहाँ से आए सर? साइकिल से कितने घंटा टूटा? 7 months काम करते। 7 महीने से चल रहा है साइकिल से, और हमें एक दिन में इतने परेशान हुए। सलूट है भाई। भाई से मिलने के बाद एक नया जोश भर गया हमारे में, फिर हमने अपना सफर कंटिन्यू किया। सरचू में हमने ली मेरिडियन में अपना रूम बुक करवा रखा था, ये कोई फास्ट एयर होटल नहीं, एक टेंट है। यहाँ पर आपको लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। सरचू से वहाँ पे जाएंगे, हमारे पास 2 बंदे बिल्कुल बीमार हो चुके हैं ना, इसलिए आगे जाए नहीं जाएंगे। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम आगे जा पाए, तो सरचू तक हमने सोचा था, लेह लद्दाख तो अगले ट्रिप पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बंदे ऐसे आ गए उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सोचा यहीं से वापस जाएंगे हम। ये हिमाचल का और लेह लद्दाख का बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर टच करके लद्दाख का वापस चलेंगे। ये अपना पॉइंट साहब की बार आगे चलेंगे, अगली बार आगे। तो सरचू लेह लद्दाख का बॉर्डर है, और यहाँ पर पॉइंट की चेकिंग होती है इनकी, भाई है यहाँ चेकिंग होती है, गाड़ियों का नंबर होता है नोट, फिर आगे जाने देते हैं।
हम रुके हैं सरचू में और ये कैंप में रुके हैं, इसका नाम है ली मैडिंग और ये भाई है अपना पूरे हमारे देखभाल रखेंगे पूरे और जितने भी कैमरे बंद हुए ना सबको चार्ज करेंगे। ये वो अंगीठी है जो गर्मी भी देती है और हमारा खाना भी बनाएगी। भाई थोड़ा ना यहाँ खाना वाना खाया है और टेम्परेचर -5 हो चुका है अभी से और अभी रात के 8 बजे है तो समझ सकते कितना टेम्परेचर जाएगा। और खाना यहाँ बन रहा है अपना दिखाया था मैंने, लेकिन भाई बुरा हाल हो चुका है। जिसको सांस की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है ना वो भूल के ना आए, फिर तो मन नहीं है। अब रात को देखते हैं कैसे जाएगी रात, उम्मीद है जाके सो जाए बस। रात के 10:30 बजे हो गए और ये भाई जो हम रुके ना यहाँ पूरी सेवा कर रहे हैं, अभी चाय बनवाई है अदरक वाली, ये चाय देंगे उसके बाद सोने जाएंगे अपना। ये सोने की जगह ना जो कमरा हमने दिखाया वो सोने की जगह है और ठंड अब मेरे ख्याल से -8 हो गया है, वो ज़्यादा ठंड है। ऐसा नहीं कि हम इंजॉय कर लेंगे, ये भाई एक अलग एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है, ये हमारा कमरा है और यहाँ पर भाई 3 रजाई ले ली मैंने और गरम गरम चाय अदरक वाली। देखते रात एक्सपीरियंस करना बनता है वैसे। गाड़ी स्टार्ट ना हो रही ठंड मार रही है। रात को -10 था टेम्परेचर तो गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया, तो काफी जद्दोजहद के बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट तो कर लिया लेकिन बिल्कुल काला धुआं फेंक रही थी गाड़ी। गाड़ी ने भी अपनी औकात यहां से दिखा दी थी। हमारे दो साथियों की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो आगे जाने का तो मतलब नहीं था, तो हमने फैसला किया वापस मनाली की तरफ जाने का। मनाली पहुंच गए हैं और हल्की हल्की बारिश का मौसम हो गया है यहाँ पर और पहाड़ों में बर्फबारी हो गई है इस टाइम पे। इसके बाद निकल पड़ते हैं अपनी दिल्ली की तरफ।